अस्सलामु अलैकुम। तूफानी हवाओं और तेज आंधी ने तबाही मचा दी। समंदर में तुगयानी माहीगीरों को शदीद मुश्किलात। ठट्टा में तेज हवाओं के बाईस केटी बंदर में तीन कश्तियां डूब गई, 38 माहीगीर डूब गए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए जिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि तेज हवाओं और समंदर में तुगयानी ने तबाही मचा दी। ठट्टा के करीब केटी बंदर के खुले समंदर में तीन कश्तियां डूब गईं, जिसमें 38 माहीगीर डूब गए। तर्जुमान पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक तेज हवाओं के 22 समंदर में तुगयानी रही। दो कश्तियां अल सिद्दीक और अल बहरिया इब्राहिम हैदरी कराची से रवाना हुई थी, उन समेत तीन कश्तियां डूब गईं। डूबने वाली एक कश्ती के 20 और दूसरी कश्ती के 18 माहीगीर ताहाल लापता हैं। तर्जुमान फिशर फोक फोरम का बताना है कि कराची में तेज हवाओं के 22 समंदर में तुगयानी है। केटी बंदर पर कश्तियों के डूबने का वाकिया गुज़िश्ता शब पेश आया। रेस्क्यू ज़राई का कहना है कि डूबने वाले चार माहीगीरों ने लकड़ी के टुकड़े पर तैर कर अपनी जान बचा ली है, दीगर अफराद की तलाश जारी है।